हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस नए वीडियो में हम आज जो हमारी श्रृंखला शुरू हुई है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य के सारे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसे विस्तार से समझ रहे हैं, वहां से किस किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम देखते चल रहे हैं। इसमें से सिरपुर हमने कंप्लीट करके रखा है, एक वीडियो सिरपुर का जा चुका है, एक हमने राजिम का वीडियो बना लिया है, और आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं रतनपुर, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल रतनपुर के बारे में। आज के बाद रतनपुर से कोई भी प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो आइए हम शुरू करते हैं रतनपुर के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल रतनपुर। सबसे पहले आपको रतनपुर के बारे में यह पता होना चाहिए कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में आने वाला पर्यटन स्थल है। सबसे पहले रतनपुर जो है आपको पता होना चाहिए बिलासपुर जिले में स्थित है। रतनपुर जो कि बिलासपुर जिले में स्थित एक छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा रतनपुर के इतिहास की बात कर लेते हैं। रतनपुर छत्तीसगढ़ राज्य, ध्यान से समझते चलना है, और आज के बाद अगर रतनपुर से प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए। रतनपुर का इतिहास, सबसे पहले हम रतनपुर के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि रतनपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल है जो चतुर्युगीपुरी के नाम से जाना जाता है। चतुर्युगीपुरी के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा स्थल है, रतनपुर छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि चतुर्युगीपुरी के नाम से जाना जाता है। और यह चतुर्युगीपुरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि चारों युगों में सतयुग चारों युगों में इसके नाम का वर्णन है। सतयुग में इसका नाम आपको मिलेगा मणिपुर, सतयुग में इसका नाम मिलेगा मणिपुर, त्रेता युग में इसका नाम मिलेगा माणिकपुर, द्वापर युग में इसका नाम मिलेगा हीरापुर, और कलियुग में तो आपको पता ही है कलियुग में इसका नाम मिलेगा रतनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा स्थल जिसका चारों युगों में उल्लेख या नाम का वर्णन है, सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, और कल युग में यह रतनपुर के नाम से जाने जाने वाला यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल है जिसका चारों युगों में नाम मिलता है, इसीलिए इसे चतुर्युगीपुरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर प्रश्न आए छत्तीसगढ़ का वह कौन सा स्थल है जिसे चतुर्युगीपुरी के नाम से जाना जाता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? रतनपुर। ध्यान से समझते चलना है। थोड़ा सा हम और देखेंगे, अगर हम महाभारत काल की बात करें, महाभारत में भी कहीं कहीं महाभारत कथा में भी आपको मणिपुर नाम का उल्लेख मिलेगा, मणिपुर। और यह मणिपुर जो है यह रतनपुर ही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि महाभारत काल में भी रतनपुर का किस नाम से उल्लेख है, तो मणिपुर ही आपको याद रखना है। और ऐसा बताया जाता है कि इसी मणिपुर में आपका महाभारत काल के राजा ताम्रध्वज
यहां के राजा हुआ करते थे, ताम्रध्वज की यह राजधानी हुआ करती थी, या ताम्रध्वज इसी मणिपुर में रह करके अपनी सत्ता या शासन चलाया करते थे, आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे और चलें तो जो मणिपुर है या रतनपुर है, इसका एक नाम हम कुबेरपुर भी हमें मिलेगा। कुबेरपुर क्यों कुबेरपुर मिलेगा, इसको आगे समझेंगे, ठीक है। इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता है, तालाबों की नगरी। क्यों कहा जाता है इसे भी हम आगे समझेंगे। और इसे टंकियों का शहर भी कहा जाता है, टंकियों का शहर। तो ये सारे जो नाम हैं, जो रतनपुर के ये सारे नाम आपके दिमाग में बसे होने चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा स्थल जो चतुर्युगीपुरी के नाम से जाना जाता है, चारों युगों में इसके अलग अलग नाम हैं, सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर। फिर हम आगे चले तो महाभारत काल में भी इसका मणिपुर ही नाम से उल्लेख है, और मणिपुर में राजा ताम्रध्वज रह करके शासन करते थे, या उनकी राजधानी का श्रेय इसको जाता है। और अभी अगर हम कलचुरी काल में जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुबेरपुर मिलेगा, कहीं तालाबों की नगरी मिलेगा, और आगे आज वर्तमान समय में हम देखें तो टंकियों का शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। थोड़ा सा इतिहास में और अंदर चलते हैं, इतिहास में जब और अंदर चलेंगे तो हम सीधे हमें 11वीं शताब्दी चलना है। कहां चलना है भाई, 11वीं शताब्दी। एकदम एक एक चीज बारीकी से और एकदम आराम से चीजों को बताया जा रहा है, बार बार भी इसलिए बताया जा रहा है चीजें आपके दिमाग में आज के आज और अभी के अभी चीजें याद हो जानी चाहिए, क्लियर। 11वीं शताब्दी चलना है आपको, 11वीं शताब्दी या 1050 ईस्वी आपको चलना है, 11वीं शताब्दी या 1050 ईस्वी में इस जो क्षेत्र जो रतनपुर है, इस रतनपुर में कलचुरी वंश के शासकों का शासन था। कौन सा वंश भाई, कलचुरी वंश, याद रखना। कलचुरी वंश का जो सत्ता है छत्तीसगढ़ में, आपका पहले तुम्मार और तुम्मार के बाद आपको रतनपुर में इनकी राजधानी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की यह दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी कौन सी थी, तो तुम्मार थी, यह कलचुरी वंश की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, आपको याद रखना। रतनपुर में ध्यान से समझते चलना है, जब हम 1050 ईस्वी या 11वीं शताब्दी की बात करें तो इस क्षेत्र पर कलचुरी वंश का शासन था, और इस कलचुरी वंश में एक राजा हो जाएंगे, राजा रत्नदेव प्रथम। क्या नाम भाई, राजा रत्नदेव प्रथम, ठीक है, या जिसे हम रत्नराज के नाम से भी जानते हैं, रत्नराज, रत्नदेव प्रथम, या इन्हीं का एक और नाम रत्नराज भी आपको याद रखना है। क्या हुआ था कि जब कलचुरी वंश का यह राजा रत्नदेव प्रथम या रत्नराज शासक बनता है तो यह क्या करता है, 1050 ईस्वी में ही इस रतनपुर नाम के शहर को बसाता है, और यह रत्नपुर नाम से उल्लेखित होता है, ठीक है। रत्नदेव से ही कहीं ना कहीं उसका नाम रत्नपुर हुआ, और आज भी वही नाम क्या हो गया है, रत्नपुर से रतनपुर हो गया है, ठीक है। तो आपको यहीं से आपको ध्यान करके जोड़ करके रखना है कि रतनपुर को किसने बसाया, तो कलचुरी वंश का जो राजा है, राजा रत्नदेव प्रथम या रत्नराज, जिन्होंने 1050 ईस्वी या 11वीं शताब्दी में 1050 ईस्वी या 11वीं शताब्दी में रतनपुर को बसाया। और एक तो रतनपुर को बसाया, और बसाने के बाद
इस रतनपुर को तालाबों की नगरी बनाया, तालाबों की नगरी बनवाया। तो दो प्रश्न का उत्तर आपको यहां मिल गया, तालाबों की नगरी। दो प्रश्न का उत्तर यहां मिल गया आपको कि पहले तो रतनपुर को किसने बसाया, किस वंश ने बसाया, कब बसाया, और तालाबों की नगरी रतनपुर को किसने बनाया। तो तालाबों की नगरी भी कलचुरी वंश का राजा रत्नदेव प्रथम ही वो व्यक्ति है जिसने रतनपुर को तालाबों की नगरी बनाया। तालाबों की नगरी से देखिए, ध्यान से समझते चलना है। तालाबों की नगरी का अर्थ यह है कि बहुत सारे इन्होंने तालाब बनवाए वहां। तालाब बनवाने से क्या फायदा हुआ कि तालाब बनवाने से ये जो रतनपुर वाला जो क्षेत्र है अधिक से अधिक सिंचित होने लगा। सिंचित होने से खाद्यान्न फसलें बहुत अच्छे से होने लगी, जिससे ये एक समृद्ध साम्राज्य बना। और इसी समृद्धता के कारण ही इस रतनपुर को कलचुरी काल में कुबेरपुर कहा गया। क्या कहा गया? कुबेरपुर कहा गया, याद रखना है। क्या कहा गया? कुबेरपुर कहा गया। एक एक चीज आपको एकदम दिमाग में बसाते चलना है। मतलब कलचुरी काल में रतनपुर का एक और नाम क्या था अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कुबेरपुर, जो कि कलचुरी कालीन नाम था। रतनपुर अपनी समृद्धशाली होने के कारण, समृद्धता के कारण रतनपुर कहलाने लगा, याद रखना। तालाबों की नगरी बनाने वाला कौन? तो रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि रतनपुर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी स्थापत्य कला है, देखते चलिएगा। सबसे पहले आपको रतनपुर में महामाया माता मंदिर के बारे में जानना है। यहां महामाया माता का मंदिर है, ठीक, पहला। दूसरा, यहां एक समुद्र के समान दिखने वाला रतनपुर का, जिसे हम रतनपुर का विशाल तालाब कहते हैं, रतनपुर का विशाल तालाब, रतनपुर का विशाल तालाब आपको याद रखना है। तीसरी चीज यहां आपको याद रखना है गज किला। ये सारी चीजें आपको आज भी रतनपुर में मिलेगी, ठीक। चौथी चीजें देखते चलिएगा, रतनपुर का विशाल तालाब, महामाया माता मंदिर, रतनपुर का विशाल तालाब, गज किला। फिर हम चले जाएंगे खड़ग तालाब, फिर आप चले जाइएगा खारंग झील। खड़ग तालाब, खारंग झील, यहां एक वीरा या जिसे हम लखनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सारी चीजें आपको रतनपुर मिलेगी, एक वीरा या लखनी मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, बादल महल, बादल महल, राम टेकरी मंदिर, राम टेकरी मंदिर, संगमेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर, कंठी देउल मंदिर या कंठी देउर मंदिर भी बोलते हैं इसको, तुलजा भवानी माता मंदिर,
तुलजा भवानी माता मंदिर और हजरत मूसे खां की दरगाह। तो इतनी 15 चीजें आपको, सारी चीजें 15 की 15 चीजें आपको याद होनी चाहिए, और जिस क्रम में मैं बताया हूं इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए, तब चीजें और मजा आएगी आपको एकदम याद से, सारी चीजें एकदम लिस्टर। कहां से शुरू करना है सर? तो आपको सबसे पहले शुरू करना है कहां से, तो महामाया माता मंदिर से, महामाया माता मंदिर, फिर रतनपुर का विशाल तालाब, फिर आगे चलना है आपको गज किला, खड़ग तालाब, खारंग झील, एक वीरा या लखनी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बादल महल, बादल महल के बाद आ जाएंगे राम टेकरी, संगमेश्वर, संगमेश्वर महादेव मंदिर, संगमेश्वर लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर, कंठी देउल, तुलजा भवानी और हजरत मूसे खां की दरगाह। तो इतनी चीजें यहां है, कहां है भाई? रतनपुर में। आपको याद रखना, इतिहास से जब शुरू करोगे तो ये सारी चीजें, सारी चीजों का निर्माण धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद रतनपुर में होता गया। और एक स्टेप और, अब और एक स्टेप अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम महामाया माता मंदिर की बात करते हैं। एक एक मंदिर को अब हम एकदम विस्तार से समझेंगे, विस्तार से एक एक चीज आपको याद हो जाना चाहिए। महामाया माता मंदिर वापस हमें कहां चलना है भाई? 11वीं शताब्दी में चलना है। कहां चलना है? 11वीं शताब्दी या 1050 ईस्वी आपको याद होना चाहिए। 11वीं शताब्दी या 1050 ईस्वी में रतनपुर में कलचुरी वंश का शासन था। कौन सा वंश? तो कलचुरी वंश का शासन था, और इसी कलचुरी वंश में एक राजा हो जाएंगे, अभी इसका नाम पढ़े हम लोग, रत्नदेव प्रथम, या जिसे रत्नराज नाम से भी जानते हैं। इसी रत्नदेव प्रथम या रत्नराज के द्वारा 1050 ईस्वी में या 11वीं शताब्दी में रतनपुर में इसी महामाया माता का मंदिर को बनवाया गया। यह महामाया माता जी है और यह मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले इस मंदिर को बनवाया कब गया? तो 11वीं शताब्दी या 1050 ईस्वी में। किस वंश के शासकों से संबंधित है? तो कलचुरी वंश। और कलचुरी वंश का कौन सा राजा इसे बनवाया? तो राजा रत्नदेव प्रथम, या जिसे हम रत्नराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। एक बार पीएससी या व्यापम में यह भी पूछा गया है कि कौन सा छत्तीसगढ़ का, या ऐसा पूछा गया है कि महामाया माता मंदिर का प्रवेश द्वार किस धर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको यह महामाया माता मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा, और इस प्रवेश द्वार में आपको ऊपर शिव जी बने दिखाई दे रहे होंगे। मतलब यह है कि यह इसका जो प्रवेश द्वार है वह शैव धर्म को प्रदर्शित करता है, यह आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, इसका प्रवेश द्वार कौन से धर्म को प्रदर्शित करता है? तो शैव धर्म आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? महामाया माता मंदिर आपको क्लियर हो गया होगा, याद करते चलना है। और आगे चलेंगे तो रतनपुर का विशाल तालाब। एक एक चीज में बताते चल रहा हूं, समय लगेगा लेकिन चीजें आपको, इसलिए बार बार लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, चीजें आपको याद हो। वापस आपको 11वीं शताब्दी चलना है। 11वीं शताब्दी में इस रतनपुर में वापस किस वंश का शासन? तो कलचुरी वंश का शासन। कैसे कैसे आगे शासन बदलेगा वो भी समझेंगे आगे। कलचुरी वंश, और कलचुरी वंश में ही राजा रत्नदेव प्रथम के बाद एक राजा हो जाएंगे, राजा पृथ्वीदेव प्रथम। इस राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर में समुद्र के समान दिखने वाला रतनपुर के विशाल तालाब की का निर्माण किया गया। यह आपको दिख रहा होगा रतनपुर का विशाल तालाब, जिसका निर्माण कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा कराया गया। कब? तो वही 11वीं शताब्दी में। कहां? तो रतनपुर में, याद रखना है। यहां एक चीज और आपको याद रखनी है, देखिए ध्यान से सारी चीजें आपको याद रखना है। रतनपुर को तालाबों की नगरी किसने बनवाया? तो राजा रत्नदेव प्रथम।
बहुत सारे उन्होंने तालाब बनवाए, लेकिन उन सारे तालाबों से भी बड़ा तालाब या रतनपुर का विशाल तालाब कौन बनवाएगा? तो कलचुरी वंश का राजा पृथ्वीदेव प्रथम, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, गज किला। अब हम 11वीं शताब्दी के बाद अब हम आ जाएंगे 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में भी कलचुरी वंश का ही यहां शासन होगा, और इस कलचुरी वंश में एक राजा हो जाएंगे जिसका नाम राजा पृथ्वीदेव द्वितीय हो जाएगा। वो पृथ्वीदेव प्रथम थे और ये हो जाएंगे पृथ्वीदेव सेकंड या द्वितीय। इसी पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, रतनपुर में एक किला बनवाया गया जिसे गज किला नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और मजे की बात यह है कि आज दशहरा है, आप सभी को दशहरा की बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक, आगे चलेंगे। और गज किला में आपको याद रखना है कि गज किला से दो चीजें संबंधित है, ठीक है, तीन चीजें संबंधित है, ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले तो गज किला कब बना? तो 12वीं शताब्दी। किस वंश के शासक ने बनाया? तो कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के किस राजा के शासन काल में बना या किसने बनवाया? तो राजा पृथ्वीदेव द्वितीय। क्लियर? राजा पृथ्वीदेव द्वितीय आपको याद रखना है। फिर देखिए, गज किला से और क्या क्या संबंधित है। गज किला, यहां रावण की एक ऐसी प्रतिमा है जो स्वयं का गला काट रहा है। समझ में आज तक आप ये पढ़ते आए हैं कि प्रभु श्री राम जी ने बाण मार करके उनके दसों सिरों को काटा, लेकिन वापस वो आ गया, और अंतिम में उनके नाभि को जब वो मारते हैं, निशाना लगाते हैं, तब जा करके रावण की मृत्यु हो पाती है कि नहीं? तो एक अद्भुत चीज यहां आपको देखने मिलेगा, यहां गज किले में रावण की ऐसी प्रतिमा है जो स्वयं का गला काट रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक, रावण की प्रतिमा। याद रखना। ठीक, तो ये दो चीज हो गया। एक और चीज इस गज किले से संबंधित है कि यहां आपको एक जगन्नाथ मंदिर मिलेगा, जिसका उल्लेख मैंने पिछले स्लाइड में किया है, वही वो जगन्नाथ मंदिर है। इस जगन्नाथ मंदिर को याद रखना है, इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ है। 16वीं शताब्दी में यहां जब कलचुरी वंश के राजा, कलचुरी वंश का ही वो राजा कलचुरी वंश रहेंगे, ठीक है, और कलचुरी वंश का राजा को आपको याद रखना है राजा कल्याण साय, राजा कल्याण साय। तो कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय, जिसने 16वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया, और कहां किया? तो गज किला में किया, गज किला के सामने ही, ठीक है। तो गज किला किसने बनवाया? तो याद रखना है पृथ्वीदेव द्वितीय ने, लेकिन वहां जगन्नाथ मंदिर किन्होंने बनवाया? तो कलचुरी वंश का ही राजा है कल्याण साय। कब? 16वीं शताब्दी। और यहां रावण की एक ऐसी प्रतिमा है जो स्वयं का गला काट रहा है, याद रहेगा, याद रखना है। आगे चलते हैं, खड़ग तालाब। वापस 12वीं ही शताब्दी में चलना है। कौन सा? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में ही, ठीक है, वापस हमें कलचुरी वंश ही चलना है। कलचुरी वंश का एक राजा, वापस से हमें पृथ्वीदेव द्वितीय के पास ही चलना है, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। जब 12वीं शताब्दी में कलचुरी वंश का राजा पृथ्वीदेव शासक बनता है, तो इसी राजा के समय, ठीक है, या इसी शासक के समय आपको याद रखना है, इसका एक सामंत था, वल्लभराज। क्या नाम? वल्लभराज। वल्लभराज,
और इसी वल्लभ राज के ही द्वारा ये आपको जो दिखाई दे रहा है खड़ग तालाब, इस खड़ग तालाब का निर्माण किया गया, आपको याद रखना खड़ग तालाब, ठीक है। खड़ग तालाब को किसने बनवाया? तो वल्लभ राज ने बनवाया। किसके शासन काल में यह बना? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में बना, और कब बना? तो 12वीं शताब्दी में, ठीक है। हो सकता है पिक्चर जो फोटो है वो थोड़ा सा मिसमैच रहे, लेकिन आपको कंटेंट, आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। खारंग झील, फिर हमें चलना है वापस 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में ही वापस हमें चलना है कलचुरी वंश। देखो बार बार चीजें बताई जा रही है आपको, चीजें याद हो इसलिए, ठीक। कलचुरी वंश में वापस चलना है पृथ्वीदेव द्वितीय, और अभी मैं बताया इस पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत का क्या नाम था भाई, सामंत का क्या नाम था? तो वल्लभराज, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए वल्लभराज। उसी वल्लभराज ने वापस एक और काम रतनपुर में कर दिया, एक तो खड़ग तालाब बनवा चुका था और एक खारंग झील भी बनवाया है। खारंग झील आपको याद रखना है, ठीक है, सारी चीजें आपको याद करते चलनी। फिर आगे चलेंगे लखनी मंदिर। देखिए अब 12वीं शताब्दी हो गया, ठीक है। एक 12वीं शताब्दी और, 12वीं शताब्दी में ही कलचुरी वंश वापस आएंगे। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश में अब राजा का नाम, जो पृथ्वी द्वितीय जो था, जो चल रहा था, उसी राजा के बाद, ठीक, और भी शासक होंगे, जिसमें होंगे एक रत्नदेव तृतीय हो जाएंगे, ठीक है। द्वितीय भी हुए, लेकिन मैं द्वितीय की बात नहीं कर रहा हूं, ये रत्नदेव तृतीय है, रत्नदेव थर्ड आपको याद रखना, और इसके सामंत का नाम भी आपको याद रखना है, इसके सामंत या मंत्री, क्योंकि एक स्टेप अंदर जाकर के व्यापम पीएससी प्रश्न पूछता है तो हमसे बनता नहीं है, ठीक है, तो बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि प्रश्न बने, ठीक। सामंत का नाम आपको याद रखना है गंगाधर राव, गंगाधर राव याद रखना है, ठीक है। तो फिर से वापस एक वीरा मंदिर। अच्छा, इस एक वीरा मंदिर को हम लखनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, एक वीरा या लखनी मंदिर आपको याद रखना है, एक वीरा या लखनी मंदिर। इस एक वीरा या लखनी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव तृतीय के सामंत गंगाधर राव के द्वारा, गंगाधर राव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। किसने किया? तो गंगाधर राव। किसने किया? तो गंगाधर राव। किसने किया? तो गंगाधर राव। किस शासक के समय हुआ? तो आपको रत्नदेव तृतीय। किस वंश के समय हुआ? तो कलचुरी वंश। और कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी। सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। यही वो मंदिर है जिसे हम एक वीरा या लखनी मंदिर, अच्छा लखनी मंदिर तो लिखा ही हुआ है, इसे हम एक वीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक वीरा या लखनी मंदिर, दोनों आपको याद रखना है, एक वीरा या लखनी मंदिर, ठीक है। फिर आगे देखेंगे बादल महल। बादल महल, बादल महल, अब देखिए 17वीं शताब्दी, ठीक है। इससे पहले 16वीं शताब्दी वाला जो इतिहास है, मैंने आपको वो कल्याण साय वाला बताया, कल्याण साय ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया है गज किला के सामने 16वीं शताब्दी में, ठीक, याद रहेगा। और उस 16वीं शताब्दी के बाद दिमाग में आपका आ जाना चाहिए 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में वापस आ जाना है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश आपको याद रखना है, और इस कलचुरी वंश में एक राजा हो जाएंगे, राजा राज सिंह को आपको याद रखना। इस कलचुरी वंश के राजा, राजा राज सिंह के द्वारा एक महल बनवाया गया जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। तो बादल महल का निर्माण किसने, कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी। किस वंश से संबंधित है? तो कलचुरी वंश। और किस राजा से संबंधित है? तो कलचुरी वंश का राजा राज सिंह से संबंधित है, आपको याद रखना। इसी राज सिंह के द्वारा रतनपुर में,
बादल महल का निर्माण करवाया गया। क्लियर है, ध्यान से समझते चलना है, याद हो जाना चाहिए भाई, है ना। ये बादल महल को पहले भी पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, राम टेकरी मंदिर। अच्छा, रतनपुर में अब तक कौन सा वंश चल रहा था? तो कलचुरी वंश। 1000 से लगभग 1741 ईस्वी, 1000 से लगभग 1741 ईस्वी, इतने लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ये वंश है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश अगर आपको पूछा जाए तो कलचुरी वंश आपको याद रखना है। यही देख लीजिए, इतने लंबे समय तक, लगभग 1000 से 1741, समझ में आ रहा है, 10वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के इनका शासन था। ठीक है, अब जब कलचुरी वंश चले जाएंगे तो आ जाएंगे मराठा वंश। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं तो 18वीं शताब्दी में। कब की बात कर रहे हैं तो 18वीं शताब्दी में आ जाएंगे मराठा शासन। कलचुरी वंश के बाद कौन आ जाएगा? मराठा शासन। कलचुरी शासन के बाद मराठा शासन, और मराठा शासन या भोसले वंश भी बोल सकते हो। मराठे में जो आए, यहां आकर के जो शासन किया वो था भोसला वंश। भोसला वंश आपको याद रख, या भोसले वंश। ठीक है, और इसी मराठा शासन में पहली बार छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति का नाम आएगा, बिंबाजी भोसले। क्या नाम? बिंबाजी भोसले। यही भोसले वंश से आपको याद रखना है। ठीक है, बिंबाजी भोसले यही वो व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक है। ठीक है, बिंबाजी भोसले, जब इनको छत्तीसगढ़ भेजा गया तो यह रतनपुर में रहेंगे, और रतनपुर में रह करके ही वो मराठा शासन की बागडोर संभालेंगे और छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है अपने हाथ में लेंगे। और अपने हाथ में लेकर के ये प्रशासन जब संभालना शुरू करेंगे तो रतनपुर को अपनी राजधानी बनाए रखेंगे। इसका मतलब यह होता है कि मराठा शासन काल में भी, या मराठों की पहली राजधानी भी कौन सी थी? तो रतनपुर थी, आपको याद रखना। क्लियर, जब बिंबाजी भोसले राजा बनेंगे या शासन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे तो सबसे पहला काम उनके द्वारा रतनपुर में यह कर किया जाएगा कि रतनपुर में पहली बार नियमित न्यायालय की स्थापना की जाएगी। किनके द्वारा? बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की जाएगी। आपको याद रखना है, नियमित न्यायालय, छत्तीसगढ़ में पहली बार नियमित न्यायालय की स्थापना कहां हुई? तो आपको याद रखना है रतनपुर, आपको याद है। और किनके द्वारा किया गया? तो बिंबाजी भोसले के। और भी बहुत सारे काम इनके द्वारा किया गया, उसको हम इतिहास में जानेंगे। अभी आपको याद रखना है, जब बिंबाजी भोसले शासन संभालेंगे रतनपुर में रह करके वो शासन करेंगे, और रतनपुर में ही कब? तो 18वीं शताब्दी में। वो रतनपुर में एक मंदिर बनवाएंगे जिसे राम टेकरी मंदिर या राम मंदिर के नाम से जाना चाहिए। एक्चुअल जो है वो राम मंदिर जो है वो एक पहाड़ी पर स्थित है, और पहाड़ी को हम टेकरी बोलते हैं, वहीं से इसका नाम पड़ गया राम टेकरी मंदिर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राम टेकरी मंदिर का निर्माण फिर से बता रहा हूं क्योंकि इससे एक दो चीजें और जुड़ेंगी। यहां पास सारी चीजें आपको याद रखनी। पहले जैसे ही आपको राम टेकरी दिखा, मतलब 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर आपका मराठा शासन, और मराठा शासन में राजा कौन? तो बिंबाजी भोसले, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासन, जिनके द्वारा रतनपुर में पहली बार नियमित न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद उनके द्वारा इसी 18वीं शताब्दी में रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। क्लियर है। अगर हम बिंबाजी भोसले की थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में चले तो बिंबाजी भोसले की तीन पत्नियां थी। कितनी भाई? तीन पत्नियां। ठीक है, इनकी तीन पत्नियों में एक जो थी वो उमाबाई, दूसरी थी रमाबाई, और तीसरी थी आनंदीबाई। उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई इनकी तीन पत्नियां थी।
बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के बहुत ही बेहतरीन शासक साबित होंगे, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उमाबाई इनके साथ सती हो जाती है और इन्हीं उमाबाई की याद में रतनपुर में एक सती चौरा भी आपको देखने मिलेगा जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में ही हुआ है। सती चौरा को आपको याद रखना। सती चौरा उमाबाई से संबंधित है जो कि बिंबाजी भोसले की पत्नी है और उमाबाई की याद में सती चौरा रतनपुर में निर्मित है। कब? तो 18वीं शताब्दी। ठीक है, उमाबाई तो सती हो गई भाई। रमाबाई बहुत ज्यादा दुखी हुई और दुखी होकर के ये वन चली जाती है। ठीक है, वन चली जाती है। परंतु आनंदीबाई सत्ता के लिए थोड़ा सा संघर्ष करेगी। ठीक है, इतिहास में चीजों को और जानेंगे, पहले भी बता चुका हूं और जानेंगे बाद में। ठीक है, अभी आपको यह जानना है कि यही आनंदीबाई जो है अपने पति बिंबाजी भोसले की एक प्रतिमा बनवाएगी। बिंबाजी भोसले की एक स्टेचू या प्रतिमा बनवाएगी इसी राम टेकरी मंदिर के सामने। हाथ जोड़कर खड़े हुए बिंबाजी भोसले की प्रतिमा किनके द्वारा? तो आनंदीबाई के द्वारा बनवाया जाएगा राम टेकरी मंदिर के सामने। आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीजें आपको याद करते चलने। उमाबाई सती हो गई जिसके नाम से सती चौरा, रमाबाई तो वन चली जाती है और आनंदीबाई जो क्या करती है अपने पति बिंबाजी भोसले की याद में उनकी मूर्ति बनवाती, हाथ जोड़कर खड़े हुए बिंबाजी भोसले की प्रतिमा किनके द्वारा बनवाया गया? तो आनंदीबाई के द्वारा बनवाया गया और कहां? तो राम टेकरी मंदिर के सामने। आगे चलेंगे, संगमेश्वर महादेव। ठीक है, यह संगमेश्वर महादेव मंदिर का भी निर्माण 18वीं शताब्दी में ही हुआ है ऐसा इतिहास में उल्लेखित है और यह मराठा वंश के ही शासनकाल में यह बना है और मराठा वंश में ही यह बिंबाजी भोसले के ही शासनकाल में बना है ऐसा बताया जाता है या ऐसा प्रमाण मिलता है। आपको पता होना चाहिए, बिंबाजी भोसले से संबंधित है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा संगमेश्वर महादेव मंदिर। पिक्चर भी आपके दिमाग में छपना चाहिए। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी 18वीं शताब्दी में ही। ठीक है, यहां मराठा शासन वापस से और मराठा वंश में ही वापस आ जाएंगे किनके पास? बिंबाजी भोसले। परंतु इस बार बिंबाजी भोसले को नहीं, आपको वापस आनंदीबाई को ही याद रखना है। उसी आनंदीबाई के द्वारा जो कि बिंबाजी भोसले की सबसे छोटी पत्नी थी और इसी आनंदीबाई के द्वारा यहां रतनपुर में एक मंदिर बनवाया गया जो कि श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, फोटो भी आपको ध्यान देते चलना है। फिर आ जाएंगे खंडोबा मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण भी 18वीं शताब्दी में हुआ है ऐसा प्रमाण मिलता है और इस समय भी छत्तीसगढ़ के रतनपुर में मराठा ही शासन कर रहे थे और मराठों में ही कौन शासन कर रहे थे? तो बिंबाजी भोसले का ही शासन था ऐसा बताया जाता है। क्लियर है, याद रखना, मराठा वंश के समय खंडोबा मंदिर आपको बना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इतिहास में, इतनी सारी चीजें एक के बाद एक चीजें बनती गई और मैं सारे जितनी भी निर्मित, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको जानकारी आपके, क्योंकि बदले पैटर्न के अनुसार इतना ही डिफिकल्ट टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको एक स्टेप और अंदर जाकर के चीजों को पढ़ना होगा। इसलिए मैंने सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से और सिस्टमैटिक रूप से, हो सकता है ऐसा भी पूछ लिया जाए कि कौन से मंदिर का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार जमाओ, तो आपको जमाते भी बनना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से सारी चीजों को जमाते चलना है। ठीक है, अब देखिए, पहले मैंने क्या बोला कि रतनपुर में कौन सा वंश? तो कलचुरी के बाद कौन आ जाएंगे? तो मराठा। और मराठों के बाद कौन आ जाएंगे? तो 19वीं शताब्दी में आपको याद रखना है। कौन सा शताब्दी? 19वीं शताब्दी आपको याद रखना है। और 19वीं शताब्दी में आपको याद रखना है भाई कौन? तो 19वीं शताब्दी में आपको याद रखना है ब्रिटिश शासन या अंग्रेजी शासन, आपको याद रखना है ब्रिटिश शासन या अंग्रेजी शासन, आपको याद रखना है। और इसी ब्रिटिश शासन में क्या होगा आप देखते चलिए। ठीक है, ब्रिटिश शासन में जब मराठों के बाद जब शासन संभाली जाएगी,
किनके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेज क्या करेंगे, यहां ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से शासन करेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक। उन ब्रिटिश अधीक्षकों में से एक व्यक्ति का नाम यहां निकल करके आएगा, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश अधीक्षक था। क्या नाम उसका? कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू, ठीक है, नाम में ही काम छुपा है। आपको एक ट्रिक याद रख लेना है, ट्रिक याद रख लेना है, न्यू रायपुर, 50 बार आप लोग बोले होंगे न्यू रायपुर, बार बार बोलना है न्यू रायपुर, न्यू रायपुर, न्यू रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर बोलते हो तो न्यू रायपुर बोल दो, क्या दिक्कत है। और यही नाम में ही सारी चीजें छुपी है। तो आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो रतनपुर से रायपुर कब लाया गया, तो कब लाया गया, तो 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में भी आपको डेट याद रखना है 1818 ईस्वी में जब ब्रिटिश शासन यहां था, तो एक ब्रिटिश अधीक्षक जिसका नाम एगेन्यू, न्यू 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 एगेन्यू, ये देखो न्यू से न्यू रायपुर, न्यू से न्यू रायपुर, न्यू से न्यू रायपुर, कैप्टन एगेन्यू के द्वारा ही रतनपुर से राजधानी परिवर्तन कर रायपुर को राजधानी बनाया गया, किसकी? छत्तीसगढ़ की, ठीक, याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी हुआ करती थी रतनपुर, और उसके बाद से सन 1818 से रायपुर राजधानी बना आपका। और किसने रायपुर को राजधानी बनवाया? तो कलचुरी ने। कौन? ब्रिटिश शासन काल, ऐसी गड़बड़ी होता है, ब्रिटिश शासन काल में हुआ, और ब्रिटिश शासन काल के एक अधीक्षक जिसका नाम कैप्टन एगेन्यू, न्यू से न्यू रायपुर, आपको याद रखना, डेट भी पूछा जा चुका है और एगेन्यू को 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसने राजधानी परिवर्तन किया रतनपुर से रायपुर, तो कौन लाएगा भाई? एगेन्यू, न्यू से न्यू रायपुर, याद रखना, न्यू एगेन्यू, न्यू रायपुर, ठीक, कौन लाएगा? तो एगेन्यू लाएगा। कहां लाएगा? तो रायपुर लाएगा, क्लियर है, याद रखना है, चले आगे, ठीक है। अब कुछ कुछ मंदिर और, कंठी देवल मंदिर, ये आपको दिखना है, कंठी देवल मंदिर क्यों बनवाया, क्या है इतिहास, इसका इतिहास में उल्लेख नहीं है, परंतु एक कंठी देवल मंदिर है, कहां है? तो रतनपुर में, याद रखना है। एक तुलजा भवानी माता का मंदिर है, कहां? तो रतनपुर, आपको याद रखना है। और एक हजरत मूसे खां की दरगाह आपको याद रखना है, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित एक तीर्थ स्थल, आपको याद रखना। फिर एक रतनपुर का मेला, यहां मेला लगाया जाता है, ठीक है, रतनपुर का मेला, आपको अगर पूछा जाए कि रतनपुर में मेला कब लगेगा, तो माघ पूर्णिमा में आपका रतनपुर का मेला, रतनपुर का मेला कब लगेगा, तो माघ पूर्णिमा में आपको याद रखना, ठीक है, रतनपुर का मेला कब, तो माघ पूर्णिमा आपको याद रखना। फिर एक बहुत ही खास व्यक्ति को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा खास ये व्यक्ति हैं, और इन व्यक्ति का नाम है बाबू रेवा राम, जो कि रतनपुर के निवासी थे। बाबू रेवा राम के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के रतनपुर में के निवासी थे, पहली चीज तो ये, और यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रमुख लेखक भी थे, इनके अलग अलग रचनाएं हैं, साहित्यकार थे, अलग अलग रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं आपको याद रखना है, ठीक है, रचनाएं मैंने लिख दिया है, आप साफ सफाई से पढ़ सकते हैं। तारीख ए है वंशी, जो कि कलचुरी वंश के ऊपर बना है, क्योंकि कलचुरी वंश का एक दूसरा नाम है वंशी भी था, कलचुरी वंश वाला जो वीडियो मैंने डाल रखा है उसको जा करके देखना एक बार, ठीक है। सार रामायण दीपिका इनकी रचना है, विक्रम विलास इनकी रचना है, गीता माधव इनकी फेमस रचना है, रामाश्वमेघ को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और रतनपुर का इतिहास, ये मैंने प्रमुख जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं उन्हीं को यहां लिखा है, ठीक है। तारीख है वंशी, सार रामायण दीपिका, विक्रम विलास, गीता माधव, रामाश्वमेघ और रतनपुर का इतिहास, ये सारी किनकी रचना है? तो बाबू रेवा राम, और किस जगह से संबंधित है? तो रतनपुर, क्लियर है। तो ये रतनपुर का शुरू से आखिरी तक मैंने
सारा इतिहास आपको बताया, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने यहां बताने की कोशिश की है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अगर छूटी है, हो सकता है मुझसे कुछ चीजें छूट गई हो, और आप यदि मेरे से अगर ज्यादा जान रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन यदि आपको एक्स्ट्रा मालूम है तो बढ़िया से डिटेल में कमेंट करके सारी चीजों को लिखिए। अगली बार जब मैं और कोशिश करूंगा आपके लिए और अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाने की, तो उसको अपन मेंशन कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ चीजें मैं नहीं जान रहा हूं, आप जान रहे होंगे क्योंकि आप वहां के निवासी हैं, ठीक है। तो उस जगह के बारे में यदि आपको पता है तो बिल्कुल नीचे कमेंट करिए, और उस कमेंट के लिए अभी से आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा मैं। क्लियर? आप करिए कमेंट, मैं पढ़ूंगा और उसको अपनी पुस्तक में, क्योंकि मेरी द्वारा बुक भी लिखी जा रही है, उस पुस्तक में मैं शामिल करूंगा। क्लियर है? तो मेरे द्वारा सारी चीजें आपको जो बताई गई है, यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है, क्लासेस समझ में आ रही है, चीजें अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। बस इतना ही आपसे चाहूंगा। चलिए, धन्यवाद।